नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमारे SSC MTS 2020 का एग्जामिनेशन होने वाला है जुलाई में, एंड उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आपको कहा था कि हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करवाने वाले हैं। एंड हमने अपनी एक दो क्लासेस की भी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस हम उसे आगे कंटिन्यू कर पाए, बट वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। और आज से हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे टेंसेज। हमने आपको एक बात बताई थी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमें इसको एज अ बर्डन नहीं लेके चलना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते इजीली, या हिंदी मीडियम से हैं वो, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हमने आपको कहा था हम इजी वे लाने वाले हैं आपके लिए, एंड हम कोशिश करेंगे उसको कोरिलेट करें अपनी डेली लाइफ से, डेली रूटीन से, उसे फील कर पाएँ और उसे एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर पाएँ, जिससे कि हम उसे ईजिली सीख पाएँ। एंड हम हर चैप्टर के साथ, हर टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि हम उनका इम्प्लीकेशन भी पढ़ पाएँ और सीख पाएँ कि उसे इम्प्लाई कैसे करना है, मतलब उसके एप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो वो सभी भी सीख पाएँ। और देखेंगे हम कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएँ। जैसा कि हमारा टारगेट है SSC MTS 2020 के लिए, लेस टारगेट 100% मार्क्स। अब हम 100% मार्क्स टारगेट करके चलेंगे तो एटलीस्ट 85 स्कोर करेंगे, 90 स्कोर करेंगे, आउट ऑफ 100 कुछ ना कुछ स्कोर करेंगे। अगर हम टारगेट ही 80 का लेकर चलेंगे या फिर 85 का लेकर चलेंगे, तो जो हमारा स्कोर रहेगा वो और डाउन होने के चांसेस हो जाते हैं। इट्स नॉट डैट कि आपके 100% मार्क्स ही आएंगे, 100 मार्क्स आने ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप तैयारी करो डेडिकेशन से और टाइम दो तो ज़रूर आएंगे। तो भी हम बात करते हैं टेंसेज की। टेंसेज होते क्या है एक्चुअली? टेंसेज वर्ब की वो फॉर्म है जो हमें किसी भी एक्शन का टाइम या स्टेट बताए कि वो किस टाइम पे हुई है और किस तरह से हुई है, एंड पर्टिकुलरली उस टाइम एक्सप्रेशन के बारे में बताए। अगर वो हमारी पहले हुई है किस टाइम पे, तो वो भी बताए। तो टेंसेज के कितने पार्ट होते हैं, ये हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप सभी भी जानते हैं, क्लासेस में पढ़ते ही आए हैं, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो अपनी क्लासेस में। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मतलब कि वर्तमान में और हमारे भूतकाल में और हमारे आने वाला जो भविष्य है उसमें, यानी कि जो हमारे जैसा हमारा रिजल्ट आएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या फिर जो हमारा वर्तमान चल रहा है उसमें हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या जो हमारा पास्ट हो चुका है, जो हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं, या जो हमारा बुरा पास्ट है या जो हमारा अच्छा पास्ट है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या कोई भी बात हुई है पास्ट में उसको कैसे करेंगे, तो वो सभी हम सीखने वाले हैं। और दोस्तों ये सभी रूल्स आपको सीखने ज़रूरी हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हर कोई इंग्लिश को उतने अच्छे से नहीं समझ पाता, बट अगर रूल्स को समझ जाए तो रूल्स प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों को मिला के आप अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। बात करें तीनों टेंसेस के, आगे चार पार्ट और हैं। हर टेंस के चार पार्ट हैं, मतलब चाहे आपका प्रेजेंट है, चाहे आपका पास्ट है, चाहे आपका फ्यूचर है। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें सेम, इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह हमारे टोटल कितने हो गए, 12 पार्ट हो गए। टोटल कितने हो गए, 12। लेकिन ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे देखने को मिल जाएंगे प्रेजेंट में ही जो आपके कंटिन्यूअस की बात करेंगे, या फिर कंटिन्यूअस में ही कुछ सेंटेंस ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो हमारे फ्यूचर की बात करेंगे। तो सारे टेंसेज आपके कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, एंड जो हम सीखने वाले हैं वो आगे हमारी आने वाली क्लासेस में भी वो सारा एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो कि आपके एग्जाम में अप्लाई होने वाला है एक्चुअल में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन होते हैं आपके एरर स्पॉटिंग के, या आपका पैराग्राफ वाले, अनसीन पैसेज वाले, तो वो सभी देखने वाले हैं हम। तो बात करेंगे हम आज प्रेजेंट इनडेफिनेट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट की, कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, या क्या उसका फॉर्मेशन होगा, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, और कहाँ कहाँ उसका कैसे कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसका यूज कहाँ होता है। जब भी हम किसी हैबिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस, ठीक है। हम इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो हम इसे यूज कहां कहां करेंगे, जब भी हम किसी हैबिट की बात करेंगे यूजेस कहां कहां होंगे, किसी हैबिट की बात करेंगे, ठीक है, किसी रिपीटेटिव एक्शन की बात करेंगे, रिपीटेड एक्शन, और या फिर हम किसी आदत की बात करेंगे, या किसी कस्टम की बात करेंगे, या फिर हम किसी जनरल ट्रूथ की बात करेंगे। कस्टम हुआ हमारा कोई, मतलब कोई हमारा रीति रिवाज हुआ, कोई जनरल ट्रूथ हुआ, मतलब कि अटल सत्य जो हमारा, जैसे सन राइजेस फ्रॉम इन द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट, दोनों तरह के सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। जनरल ट्रूथ हुआ हमारा, एंड या फिर हमारा हुआ कोई कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, तो इन चीजों में हम यूज करते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट को, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को, जो ये चीजें हैं इनमें यूज करते हैं। अब इनमें के साथ कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यूज होती हैं। एडवर्ब्स क्या होती हैं आपकी, क्रिया विशेषण, मतलब जो काम हो रहा है आपका उसकी विशेषता क्या है, कि वो अक्सर होता रहता है, कभी कभी होता है, रोज होता है, कभी नहीं होता है, तो वो जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, या वो हमारे एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारी अक्सर सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। तो एडवर्ब्स और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे ऑफन, सेल्डम एंड यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, Usually, never, occasionally, sometimes, normally, actually मैं भी इनको जहाँ मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं वहीं से बता रहा हूँ आपको, बिकॉज सारा मुझे भी याद नहीं है, बट जो मैं मुझे याद है, जो मैंने अपने नोट्स तैयार किए वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। Normally, generally, always, समटाइम्स, ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे यूज होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे इन वर्ड्स को यूज करके, या जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है इनको यूज करके काम में लाए जाते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, सुहानी हमेशा टाइम पे आती है। एग्जाम्पल लेते हैं, सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, तो यह हमारा यूज हुआ है ऑलवेज। दूसरा सेंटेंस देखें तो हम, शौर्य सेल्डम गेट्स अप लेट, शौर्य seldom gets up late, शौर्य कभी कभी ही लेट उठता है, मतलब ये उसके लिए यूज होता है seldom, जैसे होता है barking dogs seldom bites, भोगने वाले कभी काटते नहीं, भोगने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, शौर्य कभी लेट नहीं उठता। बट seldom का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कभी कभी, यानी कि बहुत ही कम, रेयर,
जब रेयर चांसेस हों तो उसके लिए हम सेल्डम यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे प्रेजेंट इनडेफिनेट के, सिंपल प्रेजेंट के हैं, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, जो प्रैक्टिस है उसकी जो हमेशा करती है वो कि वो टाइम पे ही आती है, सेल्डम गेट्स अप लेट, वो कभी लेट नहीं उठता है, ऐसा कभी नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है कि शौर्या कभी लेट उठता हो। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए हैं। अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनेट की फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मूला कह सकते हैं हम, फॉर्मूला क्या है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट का। तो जो इसकी फॉर्मेशन रहेगी वो इस हिसाब से रहेगी, सब्जेक्ट मतलब जिसकी बात की गई है सेंटेंस में, शौर्य की बात की गई थी तो यहां सब्जेक्ट क्या हुआ, शौर्य, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है हमारी। अगर हम देखें, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, यहां आई क्या है, सब्जेक्ट है, यहां प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब इसका नेगेटिव देखें हम, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव देखें, आई मतलब इसकी फॉर्मेशन की बात करें, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखते हैं हम डी ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सेम बात रहेगी, डू नॉट को हम डोंट लिखे तो भी वही बात रहेगी। बट अब बात करते हैं हम, एक चीज होती है हमारी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उसमें क्या ये सेम रहेगा, आई प्ले फुटबॉल, यानी अगर हम बात करें सेकंड पर्सन, यू प्ले फुटबॉल, बात करें थर्ड पर्सन, ही और दे, थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। एक चीज होती है हमारी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, खुद के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, या खुद हमारे जैसे हम प्लूरल हैं, आई या वी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उसमें आते हैं आई और वी, मतलब मैं और हम, ये सिंगुलर हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। अब सेकंड पर्सन में यू सीधा एक ही होता है, सिंगुलर ना प्लूरल, एक, प्लूरल के भी हम एक ही यूज करते हैं, यू, यू ऑल, या अगर सिंगुलर बात हो रही है, जैसे संजय से बात करें तो संजय कहेंगे, संजय यू प्ले फुटबॉल, या सिंपल यू प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो यू। एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम हो तो वो हमारा थर्ड पर्सन में आता है। तो सिंगुलर की बात करें, ही, शी, इट, और नेम, ये हमारे आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और दे होता हमारा ये थर्ड पर्सन प्लूरल में। तो जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, उसमें हमारा वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो जब भी हम पॉजिटिव की बात करेंगे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, या कोई नेम है, तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ठीक है। जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, कोई बुक देख लीजिए आप, नेतु मैम वाली बुक देख लीजिए, उसमें आपको रूल मिल जाएंगे। एंड इवन जो आपकी पुरानी बुक्स थी 10th 12th की, जिसमें आपके टेंसेस वगैरह हैं, तो उनमें मिल जाएंगे। तो जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो एस या ई एस इसके साथ आता है, एस और ई एस, ठीक है।
जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डू की जगह हो जाएगा डज, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, आई होप कि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का क्लियर हो गया हो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा SAIS नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में SAIS लगेगा। अगर नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो डू की जगह डज हो जाएगा, मतलब डू नॉट की जगह डज नॉट हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, या डोंट की जगह डजंट हो जाएगा। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें हम क्वेश्चन की बात करें, कोई भी सवाल पूछते हैं, तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्वियसली लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है। डू आई प्ले फुटबॉल, अब हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर की, डज ही प्ले फुटबॉल, तो यहां फिर से डज हो जाएगा। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, डज राम प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, ठीक है। जैसे शी प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल, क्वेश्चन की बात करेंगे डज शी प्ले फुटबॉल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बात हो गई हमारी इंटरोगेटिव में, आपके थर्ड पर्सन की बात भी होगी, सिंगुलर की बात भी होगी एंड हमारी नॉर्मल सेंटेंस की बात हो गई है। अब हम इसको लिख भी सकते हैं, जैसे हम अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव में हो तो क्या होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, मतलब कि डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर डोंट आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता। अगर हम डोंट की बात करें तो उसमें डू नॉट की जगह यहाँ डोंट दे प्ले फुटबॉल, ठीक है, डोंट यू प्ले फुटबॉल। अगर डू और नॉट अलग अलग लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, अगर हम डू नॉट की जगह डोंट यूज करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, डोंट दे प्ले फुटबॉल, डजंट ही प्ले फुटबॉल, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि फर्स्ट पर्सन के टाइम पे कैसे फॉर्मेशन रहती है, सेकंड पर्सन के टाइम पे कैसे फॉर्मेशन रहती है, वो आपकी सेम ही रहेगी, और थर्ड पर्सन प्लूरल के टाइम पे सेम फॉर्मेशन रहेगी। बट चेंज कहाँ आता है, जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन मतलब आई अस वी या फिर आप यू और थर्ड पर्सन दे, ठीक है, या फिर हम दे में किसी ग्रुप की बात करें टाइटंस पर्शियंस, ठीक है, और सिंगुलर की बात करें थर्ड पर्सन में, तो एस आई एस आता है आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आई होप आपका ये सब क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम कुछ और यूजेस भी देखते हैं एंड कहाँ कहाँ वो यूज कर सकते हैं उसकी बात भी करते हैं। तो कुछ एडिशनल यूजेस हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो वो ये होंगे, अगर हम हिस्टोरिकल प्रेजेंट की बात करें, किसी हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं हम, पुरानी बात को कर रहे हैं हम, तो अक्सर ये जब हम नरेशन करते हैं या स्टोरी टेलिंग करते हैं, हिस्ट्री की बात का स्टोरी टेलिंग ऑब्वियसली पुरानी बात की होगी, लेकिन उसे प्रेजेंट में जी की करते हैं, नरेशन हमारे प्रेजेंट में हो रही हो किसी पुरानी बात की, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर, नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स। बात तो हुई हमारी पास्ट की कि नेताजी ने एंटर किया और
इंडियन सोल्जर्स को संबोधित किया, बट हम इसे प्रेजेंट में बोल रहे हैं, नरेशन जो है इसका प्रेजेंट में हो रहा है। नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स। नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्मा। अब अर्जुन ने भीष्म पे बाण चलाया। अब हम पास में बात करते तो कैसे होती, अर्जुन शॉट एरो एट भीष्मा, अर्जुन शॉट एरो एट भीष्मा, मतलब ये पास में बात होगी। बट अगर हम इसे प्रेजेंट में कन्वे कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये यूज भी हमारा है कि हिस्टोरिकल प्रेजेंट को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी लिख सकते हैं। जब आपका एक्चुअल यूज होगा ना, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाले हैं हम, तो उस टाइम पे आप अच्छे से समझ जाओगे ये बात कि है क्या एक्चुअली है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, किसी फ्यूचर अरेंजमेंट में भी यूज होता है हमारा ये। फ्यूचर अरेंजमेंट जैसे वो अगले हफ्ते अपनी जॉब छोड़ेगा, ही विल लीव हिज जॉब नेक्स्ट वीक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, जैसे ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक। अगर हम इसे फ्यूचर के तरह लिखें, जो एक्चुअल फ्यूचर फॉर्मेशन है फ्यूचर प्रेजेंट की, फ्यूचर टेंस की, तो वो होगा ही विल लीव हिज जॉब नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल से बातें होंगी कि कहाँ कहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज हो सकता है, और जो एक्चुअल आपका क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ यूज होता है। और आप बुक्स भी ले लें, एस पी बख्शी ले लें, और चाहे जो आप नीतू गुप्त, सॉरी मैम क्या कह रहा था मैं, और आप बुक्स भी ले लें, आप एस पी बख्शी ले सकते हैं, और आप प्लिंथ टू पैरामाउंट भी ले सकते हैं, या आप प्लिंथ बुक ले सकते हैं जो इंग्लिश की है नीतू मैम की, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया हो, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई प्रोग्रेस में है काम, कोई भी काम है, कोई भी एक्शन है, वो प्रोग्रेसिव है, जो अभी चल रहा है, तो वो क्या होगा, वो होता हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब कोई भी काम अगर अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है, तो वो हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सबसे पहला यूज है आप कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस में है, फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस। कोई भी एक्शन, कोई भी काम अगर हमारा प्रोग्रेसिव है, वो चल रहा है, तो वहाँ हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम कहें कि शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही है, ठीक है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। ही इज ड्राइविंग अ बस, वो एक बस चला रहा है। वो यहाँ पे एक सिचुएशन अलग हो जाएगी, वो एक बस चलाता है, अगर वो प्रेजेंट में मोमेंटरीली बस चला रहा है इसी मोमेंट पे, तो आएगा ही इज ड्राइविंग अ बस, ठीक है। अगर नॉर्मल बात करें हम, वो उसके किसी चीज के प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं, तो वो होगा हमारा ही ड्राइव्स अ बस,
वो एक बस चलाता है। तो जैसे हमारा होगा कोई परमानेंट एक्टिविटी है तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होगा, परमानेंट एक्टिविटी के लिए ये यूज़ नहीं होगा। फ्यूचर एक्शन या कोई डेफिनेट अरेंजमेंट हो इन फ्यूचर, कोई फ्यूचर का काम हो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, आई एम गोइंग टू सिनेमा, जैसे फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, लेटर, ये हमारा फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस। अगर हम फ्यूचर अरेंजमेंट की बात करें, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो फ्यूचर अरेंजमेंट को शो करने के लिए भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ हो सकता है। बात वो फ्यूचर की होगी कि मैं कल जाऊंगा, बट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार कि फॉर्मेशन क्या होगी इसकी। सिंपल है अपना रहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन क्या होगी उसकी हमारी, सब्जेक्ट आई इज एम आर। अब इज एम आर कहाँ कहाँ यूज होगा, फिर से हमारी वही बात आती है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो आएगा आई के साथ एम। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ आएगा एम। वी है तो इसके साथ आएगा आर। फर्स्ट पर्सन की बात करें, हमारा ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड में यू, यू के साथ आएगा आर। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी नेम इट, इसके साथ क्या आएगा हमारा इज। ही शी नेम इट के साथ हमारा कोई भी नाम हो, ही शी या इट की बात करें तो हमारा आएगा इज यहाँ पे। एंड अगर हम बात करें प्लूरल की, दे या फिर हमारे कोई ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रश्न, तो उसमें आएगा दे के साथ आएगा आर। तो आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया हो। जैसे वहाँ पे था हमारा एस या ई एस का यूज़ का, तो इसी तरह हमारा ये भी है। वहाँ पे हमारा एस या एस सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में था, यहाँ पे हमारा जो इशू है ये इज के आई के साथ एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो अगर नेगेटिव की बात करें, हमारा पॉजिटिव बात हुई है, अगर नेगेटिव की बात करें हम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट इज नॉट एम नॉट एम नॉट आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें
क्वेश्चन की या इंटरोगेटिव की क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा, इज एम आर नॉट, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर हम इसमें नेगेटिव की बात करें तो सेम इज एम आर ऐसे ही क्वेश्चन में नेगेटिव की, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एंड इसी के साथ एक बात और होती है हमारी इज एम आर में कि सिर्फ वही बात नेगेटिव में इजेंट वाली और आरंट वाली, या एक बात होती है हमारी जैसे इजेंट और आरंट, मतलब आर नॉट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे एमेंट नहीं होता कभी भी, इजेंट और आरंट होता है बस। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम इसके कुछ और यूजेस देख लेते हैं कि कुछ और यूजेस हैं या नहीं। अगर हम कंटिन्यूस टेंस के साथ ऑलवेज यूज करें तो वो बात कई बार ऐसी हो जाती है कि जो बोलने वाला है वो उसके पसंद की ना हो। ऑलवेज यूज करें जैसे कि शी इज ऑलवेज सिंगिंग सॉन्ग्स, वो तो बस गाती ही रहती है। शी इज ऑलवेज सिंगिंग सॉन्ग्स, या फिर ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिज सन, वो अपनी बेटे की प्रशंसा करता रहता है, ठीक है। शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है, बस वो तो पढ़ाती ही रहती है, वो गाना ही गाती रहती है, वो अपने बेटे की बड़ाई ही करता रहता है। तो जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस के साथ ऑलवेज जोड़ देते हैं तो बात ऐसी हो जाती है कि जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, वो उसकी पसंद की नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया आई होप। अभी आगे देखते हैं, कुछ हमारे नॉन प्रोग्रेसिव या स्टेटिव वर्ब्स भी होती हैं, जैसे कि हमारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सी टेस्ट स्मेल हियर प्लीज प्रेफर, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस थिंक नो मीन माइंड, वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजेशन ओन हैव बिलोंग्स कंप्राइज पोजेस कंटेन। ये बस एक एग्जांपल है, ये और भी वर्ब्स हैं हमारी, वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, जो हमारी फीलिंग्स या स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाती हैं वो वर्ब्स, वो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, बस वो हमें बताती हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बताती हैं। स्टेटिव वर्ब्स मतलब जो कुछ बताती हैं, स्टेट करती हैं, बिलीव लाइक लव वांट विश डिजायर हेट। वर्ब्स इन जनरल, जनरल वर्ब्स जैसे हमारे लुक सीम अपीयर अफेक्ट कोस रिजेंबल, बट कुछ कुछ कभी कभी एक्सेप्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से इन वर्ब्स का यूज हम प्रोग्रेसिव में वे में भी कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्रेसिव मोमेंटरीली हो रहा है तो वहां पे कर सकते हैं, लाइक ही इज थिंकिंग अबाउट हर, आई एम थिंकिंग अबाउट हर, ठीक है। बट हम ये नहीं, जैसे मैं कहता हूँ मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, वो अभी भी करता हूँ एंड मैं फ्यूचर में भी करूँगा जब तक सांसें हैं, जब मैं पास में था तब भी करता था, बट वो कभी ये नहीं होगा आई एम लविंग माई सिस्टर, आई लव माई सिस्टर, वो इस तरह से होगा। अभी एग्जाम्पल से देखते हैं इन सब का यूज कि प्रोग्रेसिव कौन सी होती हैं, स्टेटिव कौन सी होती हैं। तो ये तो हमने बात कर ही ली है, बट वो कैसे कैसे यूज होती है एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे अब हम कहेंगे आई एम लविंग माई सिस्टर, ऐसा नहीं होगा, वो आई एम लविंग
माई सिस्टर, ये गलत होगा। करेक्ट क्या होगा? आई लव माई सिस्टर, ये हमारा करेक्ट होगा। तो ये लव हुआ एक्सप्रेसिंग वे ऑफ फीलिंग, ठीक है। तो वो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, उनको हम प्रोग्रेसिव वर्ब्स में नहीं यूज कर सकते। बट जैसे हमारा थिंक था, आई थिंक शी इज अ गुड प्लेयर, मैं सोचता हूं कि वो एक अच्छी प्लेयर है। आई एम थिंकिंग शी इज अ गुड प्लेयर, वो अच्छी प्लेयर है ये मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ। बट आई एम थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में अभी सोच रहा हूँ, ये हो सकता है। तो उसका भी अलग अलग यूज हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में फर्क क्या है, स्टेटिव वर्ब कहाँ यूज होती हैं एंड आपकी प्रोग्रेसिव वर्ब कहाँ यूज होती हैं। जो कोई काम चल रहा है, ही इज प्लेइंग, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, ही इज राइटिंग एन एसे, ठीक है, ये सब हमारी प्रोग्रेसिव हुई, ठीक है। ही लव्स हिज सिस्टर, वो स्टेटिव वर्ब हुई। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ और यूजेस भी देखते हैं। कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जो हम प्रोग्रेसिव एक्शन को दर्शाने के लिए यूज करते हैं, शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे व्हाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, या फिर हमारा नाउ एंड प्रेजेंटली। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करने के लिए उसके साथ यूज करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। राम इज राइटिंग एन एसे व्हाइल हर सिस्टर सिस्टर इज डूइंग हर होमवर्क। राम एक निबंध लिख रहा है जब उसकी बहन अपना गृह कार्य कर रही है। तो आई होप आज के इस क्लास से आपको क्लियर होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है। आने वाले क्लासेस में हम सीखेंगे बाकी के टेंसेस हमारे एंड उनके यूजेस। देन हमारा जो चैप्टर टेस्ट होगा, चैप्टर में के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं उनको हम करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशन हैं, कुछ गड़बड़ लगी वीडियो में या कुछ मिस्टेक्स लगी हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके MTS 2020 की अच्छे से तैयारी हो पाए, प्रिपरेशन हो पाए और आप अच्छा स्कोर करो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे समझाया जाए, पढ़ाया जा सके एंड जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो पाए। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।